ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता भाई बहन जवान जवाते और बेटे बेटियां, आज इस अद्वैत काल में प्रवेश करते हैं आप लोग को आज के इस वचन में हार्दिक स्वागत है। जो आज परमेश्वर को हम लोग जितना भी धन्यवाद देंगे आज कम है, क्योंकि पूरे साल भर हम लोग जब एक तारीख को जनवरी महीना एक तारीख को जब प्रवेश किए थे, हम किसी को पता नहीं था अपनी ज़िंदगी के बारे में, हम किसी को मालूम नहीं था कि हम आज ये दिन को देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जितना भी धन्यवाद देंगे कम है, जिस परमेश्वर ने आज हम सब लोग को सुरक्षित रखते हुए इस दिसंबर महीना का आज पहला सप्ताह में अद्वैत काल में प्रवेश करने के लिए अवसर दिए हैं। जो आज हम यीशु मसीह का आगमन का समाचार को इस अद्वैत काल में हम सुन पाते हैं, अद्वैत काल में यीशु मसीह का जन्म के बारे में समाचार हमें मिलता है। यीशु मसीह का जो आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत में आए, हम आए उद्धार का रास्ता दिखाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, सिर्फ इसी बात को याद करते हुए हम जन्मदिवस को, यीशु मसीह का जन्मदिवस को मनाने का क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। जैसे दिसंबर महीना प्रवेश करते हैं हमारा जीवन में उत्साहित आने लगता है, खुशी आने लगता है। दूर दूर से हमारे बेटे बेटियां कहीं नौकरी कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए गए हैं, या हमारे परिवार से वो लोग क्रिसमस के लिए जाना है, क्रिसमस के लिए कहाँ जाना है, घर जाना है, और घर आने की तैयारी करते हैं और इस जन्मदिवस को मनाने के लिए सोचते हैं। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे, ये एडवेंट काल एक्चुअली में आज एडवेंट काल हमारे यो संदेश देना चाहता है कि यीशु मसीह सेकेंड आगमन में आने वाले हैं। एक बार यीशु मसीह आ चुके कैसे दीन और नंबर होकर, लेकिन आज ऐसे आने वाले नहीं है। आज यीशु मसीह जब दूसरी आगमन में आने वाले हैं तो बड़े सामर्थ के साथ और महिमा के साथ वह आने वाले हैं। आज इस बातों का संदेश आज इस अग्वेंट काल में सुनते हैं। ख्रिस्त में प्यारे, आज ये अग्वेंट काल हमें उस संदेश को देना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे बीच में हमें ले जाने के लिए और बड़े सामर्थ के साथ आने वाले हैं। आज उसका तैयारी आज हमें करना है ये। लेकिन आज हम सभी लोगों को आज नया आत्मा के साथ, नया तैयारी के साथ और अपने पापों से पश्चाताप करते हुए अपने आप को दीन और नम्र करते हुए इसके पास आना है, प्रभु के पास। जो दूसरी आगमन में यीशु मसीह आएंगे उस दिन हम उसके साथ मुलाकात कर सकेंगे। यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आज हम पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए हम साधारण बच्चे नहीं हैं। हम यीशु मसीह का, परमेश्वर का राजकुमार और राजकुमारी हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम लोगों के पास हमारा अच्छा कपड़ा भी दिखना चाहिए, हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए। आज ये सब कुछ हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दीन और नम्र करते हुए, अपने पापों से क्षमा करते हुए इस अद्वैत काल में हम सब लोग को किसके पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास। जो यीशु मसीह सेकंड आगमन में आने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तैयारी। क्या ख्रिस्त में प्यारे, आज यीशु मसीह आज हमारे पास संदेश देखे गए हैं और परमेश्वर आज हमें बताता है। योहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज परमेश्वर ने हमारे जगत के साथ, हम आप सबके साथ इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम क्या करें, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम अपना मन को क्या करना है, तैयार करना है। अगर तैयार नहीं करेंगे तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर ने तो वायदा कर दिया है कि अनंत जीवन पाए। लेकिन अगर हम मन में तैयार नहीं करें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित नहीं करेंगे, हैंडओवर नहीं करेंगे, तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आज इस अद्वैत काल में आपको, हम सब लोग को, मुझे भी तैयारी करने का जरूरत है। हम सब लोग उसकी तैयारी करें, जन्मदिवस को मनाने का भी और साथ में यीशु मसीह का आने का दिन का भी हम क्या करें, तैयारी करें। ख्रिस्त योहन रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद में हम क्या देखते हैं,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, आदि में वचन था, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। वो पूरा होता है और आज वो वचन पूरा होकर हमारे बीच में आ गया। कौन? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह। और वह फिर इस जगत से स्वर्ग के लिए चले गए हैं। वो हमारे लिए क्या करने गए हैं? जगह तैयार करने के लिए। और यूहन्ना 1:4 में क्या कहता है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और वह जीवन मनुष्य की क्या थी? ज्योति थी। यीशु मसीह ज्योति है और हम उनके संतान है, तो हम भी क्या हैं? उनके ज्योति हैं, हम रोशनी हैं। ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, जलते जलेगा तो हमें क्या देगा? रोशनी देगा। फ्यूज हो जाएगा, क्या होगा? इसका कोई काम है क्या? ये फ्यूज हो जाएगा, लाइट नहीं देगा तो कुछ काम है? इसको रखेंगे यहाँ? रखेंगे इसको? नहीं, इसको हटाएंगे और दूसरा ले आएंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, इसका काम खत्म हो चुका है। तो आज आप और हम लाइट है, ज्योति है, तो अगर हम रोशनी नहीं देंगे, दूसरे को प्रकाश नहीं देंगे, तो हमारा कुछ काम है दुनिया में क्या? हाँ, काम है। धरती का क्या कहते हैं देहाती भाषा में? धरती बोझ, धरती बोझ है ना। तो आज हम लाइट है, रोशनी है, तो आज हम लोग को प्रकाश देना है, दूसरे को प्रकाश देना, उसमें ज्योति थी। आज हम ज्योति हैं तो हमें प्रकाश देना है दूसरों के लिए, दूसरों को प्रेम देना है, दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन बिताना है, दूसरों के साथ दूसरों के क्या करना है? सहयोग करना है, तब हम ज्योति हैं। अगर ज्योति नहीं है तो लाइट नहीं दे रहा है तो काम नहीं है, बल्ब की तरह फ्यूज हो जाता है, हम लोग कूड़े ला के फेंक देते हैं। तो आज फिर से प्यारे, आज हम आप सब, हम सब ज्योति हैं, तो हमें रोशनी देना है, प्रकाश देना है दूसरे का जीवन के लिए। हमारा यीशु मसीह जगत में आया है ना हमें बचाने के लिए, इसके इसका कीमत को आपको और हमको समझना है। कितना चिंता हम एक बेटा के लिए करते हैं, एक शारीरिक बेटा के लिए। परमेश्वर का कितना बेटे थे? हेलो, 3-4, 1। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे सोचा क्या? नहीं, उसने अपना इकलौता पुत्र को आपके और मेरे लिए, हम सब लोग के लिए इस जगत में क्या कर दिया? भेज दिया। आज परमेश्वर का प्रेम को देखिए प्यारे, कितना प्रेम किया है। और वह इस दुनिया में कोई अपना फायदा के लिए नहीं, लेकिन आप हम सब लोग को बचाने के लिए इस जगत में भेजा, और वह हमारे लिए आपके लिए क्रूस के ऊपर क्या हो गया है? बलिदान हो गया है, और बलि होके मृत्यु तक सहा, और वह कब्रों में रहा, और तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक क्या जगत में रहा, और उसका पुष्टि करने के लिए अपने चेलों के सामने वह क्या हुआ? प्रकट हुआ, उनके साथ भोजन किया, उनके सामने मछली को खाया, इसलिए खाया, भूखा था, मीट कई दिन से नहीं खाया था, इसलिए क्या नहीं, लेकिन वह इसलिए पुष्टि करने के लिए कि मैं वही यीशु मसीह हूं, मैं हाड़ और मांस के साथ जो पैदा लिया था और उसी के साथ मैं जी उठा हूं, आज मैं वही यीशु मसीह हूं जो मैं आप लोग के साथ हूं। नहीं, लेकिन अपने चेलों के सामने वह क्या किए? उनके देखते देखते उठा लिए गए, और वह कहे कि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, और जब जगह तैयार करूंगा फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मत्ती 16:27 पर मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, प्रतिफल देगा। आएंगे और हमारे कामों के अनुसार उस दिन क्या करेंगे? हमारा प्रतिफल देंगे। मत्ती 24:30 को पढ़ देंगे। मनुष्य पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य का पुत्र का चिन्ह कहाँ दिखाई देगा? हेलो, आकाश में दिखाई देगा। हाँ, आगे तक। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। मनुष्य पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बड़े ऐश्वर्य के साथ, सामर्थ के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखो।
ये झूठ नहीं है तेरे, ये सच है। उस दिन आज अगर हम तैयार रहेंगे, आज हमारा मन तैयार रहेगा यीशु से मिलने के लिए वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, तो आज हमें उस दिन छाती पीटना नहीं पड़ेगा। अगर तैयारी नहीं रहेंगे, आज हम निभोर सोए रहेंगे खराटा मार के, उस दिन छाती पीटना होगा। ख्रिस्त में प्यारे, आज हम सेकेंड आगमन का तैयारी करें और आज हम अपने मन को तैयार करें, हम विश्वास में स्थिर रहें और हम लोग आगे की ओर बढ़ें। आज तुम अपने उस सामर्थ्य लहू, पवित्र लहू, यीशु मसीह का लहू को अपने दिल में छिड़क के आज अपने आप को शुद्ध और नम्र और दीन बनाने की आवश्यकता है। आज यीशु मसीह आज धोखा देने वाले नहीं है, वो आएंगे, पक्का आएंगे, वो हमारे बीच में आएंगे। आज इस बातों को वह लेखक पुष्टि करते हुए आज उन यहूदी मसीह लोग जो भटक रहे थे उनको आज समझाने का प्रयास करता है। मौका है, इसके लिए हम लोग को परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए प्रस्ताव करने के लिए समय दिया है, प्रस्ताव करने के लिए समय दिया है। एक गाना गाते हैं, कतनो समझाली वचन समझ नहीं आवे, भैया रे दिनों दिन समय जा जात चल जाते, बहिन रे दिनों दिन बेरा बीत जाते, यीशु कर आवेक समय निकट चल अलग, भैया रे दिनों दिन समय चल जाते, बहिन रे दिनों दिन बेरा बीत जाते, कहिया पछतावे भैया, कहिया पछतावे बहिन, भैया रे दिनों दिन समय चल जाते। हम लोग का समय भाग रहा है, आ नहीं रहा है। यीशु मसीह हमारी जगह तैयार करेंगे तो फिर वह आकर हमें क्या कहता है, अपने पास ले जाऊंगा। वो आकर हमें आपको, हम सब लोग को ले जाना चाहता है। ये नहीं कि किसी किसी को छोड़ देंगे, किसी किसी को ले जाएंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है क्या? हेलो, जो अच्छा पढ़ा लिखा है उसको ले जाएंगे, जो अनपढ़ है वो छूट जाएंगे, गरीब लोग छूट जाएंगे, अमीर लोग को ले जाऊंगा, ऐसे कुछ कहीं लिखा है बाइबल में तो बता दीजिए। जब मैं जगह तैयार करूंगा तब आकर मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। वो हमें ले जाने के लिए तैयार है। ख्रिस्त प्यारे, तो उस दिन के लिए हम अपने आप को क्या करें, तैयारी करें। साथ साथ ही हम लोग क्रिसमस डे, जन्मदिवस को भी मनाने की जरूरत है। अच्छे कपड़े के साथ, अच्छा खाना के साथ हम लोग परमेश्वर को क्या करना है, महिमा करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना एकलौता पुत्र को आपके लिए, मुझे बचाने के लिए जगत में भेज दिए और रास्ता क्या कर दिए, दिखा दिए। हमारा गलती है, तो आज हम लोग को यीशु मसीह के राहों पर चलना है, विश्वास में स्थिर रहना है। उन यहूदी मसीहियों को यही लेखक समझाते हुए कहते हैं कि तुम विश्वास में स्थिर रहो, यीशु मसीह आएंगे लेने के लिए। 22 में कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलकर परमेश्वर के समीप जाएं। आज इब्रानी की पत्री 19 उसका 22 में कहता है, तो आज उन यहूदी मसीहों को केवल नहीं, शुद्ध जल छिड़कने के लिए नहीं, आज आप पर हमारे पास वचन है ना भाई, है ना हम लोग के पास ख्रिस्त मसीह प्यारे, है ना वचन, तो ये किसके लिए है? उन इब्रानियों के लिए केवल नहीं, आज हमारे लिए है। शुद्ध जल छिड़क कर हमारे हृदय को, आत्मा को क्या करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है और हम किसके पास आ जाएं, यीशु मसीह के पास। किसके पास? दीन और नम्र होकर किसके पास आ जाएं, यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह के पास आ जाएं दीन और नम्र होकर। यीशु मसीह कैसे आए थे पहला आगमन में? कहां? राजा के घर में पैदा लिए नहीं, कहां? हाँ, गौशाले में, गौशाले और पानू, है ना, वहाँ दीन और नम्र होके। तो हम लोग को भी अपने आप को दीन और नम्र करते हुए हम लोग चरनी कहाँ बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? अपने दिल में, कहाँ? अपने दिल की अंगनांगना में, परंदा सब में, घर में है, ठीक है, वो भी बना देते हैं, वो भी घर में बना दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे कैथलिक चर्च में हम देखते हैं सबके घर में क्या होता है, चरनी। आज आपको और हमको सबका दिल में चरनी, सबके दिल में क्या होना चाहिए, चरनी, कि प्रभु मेरे अंदर आकर यहां जन्म ले। आज आप हम सब लोग को अपने अपने दिल में प्रभु के लिए क्या बनाएंगे, चरनी बनाएंगे।
और प्रभु के लिए जगह देंगे, प्रभु हमारे अंदर आएगा और कहता है मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खोलेगा तो तुम्हारे अंदर आऊंगा और अंदर बाहर चला फिरा करूंगा। वो चला फिरा करेगा हमारे अंदर, हमारे साथ भोजन करेंगे, कहता है हमारे साथ भोजन करेंगे। तो हम चरनी बनाए और हम क्रिसमस डे की तैयारी करेंगे। परमेश्वर आपका और हमारा बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है कि हम उसकी महिमा करें, ऐसे गाना के द्वारा, प्रभु का जन्म का गाना के द्वारा और जन्म के गीतों के द्वारा, उसका वचन को पढ़कर, प्रार्थना के धन्यवाद प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें इस अडवेंट काल में और हम लोग प्रभु के पास आएंगे। आज हम लोग अपने चरनी में जगा दें प्रभु के लिए और वो हमारे अंदर हर एक के अंदर आना चाहते हैं, हमारे हर एक के जीवन में वास करना चाहते हैं। हमको प्रभु के लिए शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करके शुद्ध जल छिड़क के और प्रभु के लिए हम लोग जगा दें। भले काम अच्छा काम करने के लिए हम लोग एक दूसरे को क्या करना है, उत्साहना है, प्रोत्साहन करना है अच्छा काम के लिए। ये कि चल भाई आज पीने के लिए मेरे पास पैसा बहुत गर्म है, पैसा मेरा जेब में बहुत गर्म, चल पीने के लिए इंग्लिश ले लेता हूँ एक, है ना। तो क्या अच्छा काम करने के लिए ले जा रहे हैं क्या? खुद तो पी रहे जहर को और दूसरे को भी जहर पिला रहे हैं। तो भले काम अच्छा काम, चल भाई गिर जा, नहीं आपने हमको बोलना चाहिए, हम लोग को चलना बेटा चलना, बड़ा प्यार से आज मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, अगर आप गिर जाएंगे ना मैं शाम को चिकन खिला दूंगी, लेकिन चलना बेटा गिर जा। धनी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि धनी व्यक्ति कहाँ गया, नरक में, और वो कंगाल व्यक्ति कहाँ गया, स्वर्ग में। और वहां से देख के क्या कहता है, हे प्रभु भेज देना जो आपके पास है बड़ा आनंद से, उसको मैं पहचान तो आकर मेरा जीव में पानी को ठंडा करे। तो इससे पता चलता है हम देखेंगे हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारा बेटा बेटी को आज हम अकेले स्वर्ग में होंगे, हमारा परिवार नरक में तड़पेगा, कितना दुख की बात है। आज हम लोग को उस दिन का आज प्यारे हम लोग बचाने के लिए आज मौका है, हमारे परिवार को, मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा बेटी को आज बचाने के लिए मौका है। आज हम लोग बचाएं, आज हम बचाएं, प्रभु के निकट लाएं, अपने आप को दीन बनाएं, नम्र बनाएं। आज प्रभु आज हमारा बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आपको दीन और नम्र करते हुए हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे। जैसे ज्यो ज्यो उस दिन की निकटता आने देखो त्यों त्यों और भी अच्छा संबंध इसके साथ बना है, परमेश्वर के साथ। आज उन यहूदियों के लिए नहीं प्यारे, आज आपके लिए हमारे लिए है। अब ज्यो ज्यो कह रहा है तो त्यों त्यों आप निकट, प्रभु आने का समय क्या हो गया है, निकट आ गया। वचन में हम लोग देखते हैं देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, घर घर में लड़ाई होगी, सास बहू में लड़ाई होगी, बाप बेटे में लड़ाई होगी, हो रहा है कि नहीं। जगह जगह अकाल होगी, भूकंप होगी, महामारी आएगा, ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं, हो रहा है। कोरोना जानते थे नहीं, आया ना कोरोना भी आया, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है ना, ताइवान के ऊपर भी चढ़ाई करने के लिए चीन तैयार है, रूस कहाँ चढ़ाई कर दिया, यूक्रेन के ऊपर। आज इस तरह से बहुत जगह और होने वाला है। तो आज ये सारे वचन आज पूरी हो रही है, परिवार परिवार में लड़ाइयां हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, बाप बेटा से जुदा हो जा रहा है, बहुत सास से अलग हो जा रहे हैं, लड़ाइयां चल, आज ये सब कुछ वचन पूरा हो रहा है। तो आज यीशु मसीह का ज्यों ज्यों कह रहा है त्यों त्यों निकट आ गया है, तो हम लोग को अपने आप को क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए और हम लोग क्रिसमस कुशल पूर्वक मनाएं, आनंद से मनाएं, बहुत जबरदस्त मनाएंगे, बहुत और साल से और अधिक बदलाव की तरह मनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें बचाने के लिए जगत में आ गए हैं और स्वर्ग में चले गए हैं और फिर हमें लेने के लिए आएंगे। तो सब चीज़ की हम तैयारी कर लेंगे। प्रभु परमेश्वर आज इस छोटी परिवचन पर वचनों पर बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।